जगत हो, राजनीति हो या क्षेत्र हो व्यापार, जुर्म फरेब की हर गली से गुजरे जो कह के खबरदार, झूठ का पर्दाफाश करेगा सच का पहरेदार, हर तरह की खबरें लेकर पेश है मुंबई रफ्तार। नमस्कार, मैं हूं सैयद शादना और आप देख रहे हैं मुंबई रफ्तार न्यूज। समाज को बेहतर बनाने के लिए हमेशा तत्पर रहने वाले मतोश्री जयाबेन हिम्मतलाल शाह, चैरिटेबल ट्रस्ट के अध्यक्ष और समाज सेवक भावेश शाह, बच्चों की शिक्षा में उनकी मदद करने का बीड़ा उठाया और करीब 50,000 बुक बच्चों में बांटी गई। इस बार भी लोगों की भीड़ सुबह से ही देखने को मिल रही थी और शाम तक भीड़ लगभग उतनी ही नजर आ रही थी। लोगों की संख्या कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी। भावेश शाह ABC फाउंडेशन के साथ मिलकर करीब 135 से भी अधिक बच्चों की पढ़ाई का खर्च उठाने के लिए संस्था की ओर से स्कॉलरशिप भी दी गई। इस स्कॉलरशिप के जरिए बच्चों के ग्रेजुएशन तक का पढ़ाई का खर्च संस्था अपनी ओर से देने वाली है। सिर्फ यही नहीं, गर्मी के कारण मुंबई के कई अस्पतालों में खून की मात्रा कम हो गई है। इस बात को ध्यान में रखते हुए रक्तदान शिविर का आयोजन भी यहां पर किया गया था। साथ ही हर महीने की तरह इस महीने भी लोगों को राशन देने का काम संस्था द्वारा किया गया। Thank you.
चैरिटेबल ट्रस्ट जो है इसका एक ही उद्देश्य है, एक ही मोटिव है, हम बच्चों को स्कूल फीस देंगे, उनके एजुकेशन के लिए सपोर्ट करेंगे और जब तक वो ग्रेजुएट नहीं होते तब तक वो संस्था उसको सपोर्ट करेगी। इस ट्रस्ट के फाउंडर ट्रस्टी जब तीन लोग हैं, मैं भाविन सक्कर, अमित दुर्वे और ऋषभ गांधी, और नए मेंबर्स ज्वाइन हुए हैं एज अ वॉलेंटियर, एज अ मेंबर्स ऑफ एबीसी ट्रस्ट, विकास गुप्ता, अमित शाह और भी वॉलेंटियर ज्वाइन होने वाले हैं। तो आज हमने 100 से ज़्यादा बच्चों को सिलेक्ट किया है, 500 से ज़्यादा एप्लीकेशन आई है, पेरेंट्स का इंटरव्यू लिया जाता है, 10 से 15 मिनट उनके साथ स्पेंड किया जाता है, जो नीडी है और जो केपेबल एलिजिबल बच्चे हैं उनको हम सिलेक्ट करते हैं, और एक बार सिलेक्ट हो गया जब तक वो ग्रेजुएट नहीं बनेंगे तब तक ये संस्था उनको उनको सपोर्ट करेगी। जो नए बच्चे आपके साथ जुड़ते हैं उनमें क्या देखते हैं, किस तरह सिलेक्शन होता है? मेन है हम डॉक्यूमेंट्स में पेरेंट्स का पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक स्टेटमेंट, स्कूल मार्कशीट, स्कूल बोनाफाइड सर्टिफिकेट, प्रोग्रेस रिपोर्ट, ये सब लेते हैं। उसके अलावा हम पेरेंट्स से भी 100 रुपीज़ पर मंथ चेक लेते हैं कि भाई आप भी कंट्रीब्यूट करिए, क्योंकि आप उतने करेंगे तो बाकी बच्चों का बेनिफिट होगा। नए डोनर्स मिलेंगे तो अगले साल और बच्चों को सपोर्ट मिलेगा। 2 साल पहले ही ये संस्था चालू हुई है और ये थर्ड ईयर है उनका, और आई थिंक बहुत खुशी हो रही है कि तीसरे साल में इतना स्प्रेड हुआ। भावेश भाई हमारे यहाँ खड़े हैं, उन्होंने हमको मौका दिया बच्चों को सपोर्ट करने के लिए। हर स्टूडेंट एबीसी जो संस्था है कितना फीस के लिए सहयोग कर रही है? एवरेज 5,000 to 10,000 rupees पर स्टूडेंट हम कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं। समझ लीजिए 50% से 75%, क्योंकि पेरेंट्स भी कॉन्ट्रीब्यूट करेंगे तो उनको भी लगेगा कि मुझे बच्चों को पढ़ाना है, और जेन्युइन रिक्वायरमेंट जो होती है इसीलिए इंटरव्यू लिया जाता है कि वो बच्चे को पढ़ाना चाहते हैं, बच्चा पढ़ना चाहता है, उसकी मार्कशीट क्या है, कैपेबिलिटी है कि नहीं। तो क्योंकि ये एक साल के लिए नहीं है, हम ग्रेजुएट बनेगा तो उसकी लाइफ ट्रांसफॉर्म होगी, वो शायद और ऐसे हज़ारों बच्चों का सपोर्ट कर पाए, इसीलिए इतना टाइम दिया जाता है बच्चों को। कौन से क्लास के बच्चों को देखा जाता है? नहीं, फिलहाल फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेकर 10th स्टैंडर्ड के कोई भी बच्चे, कोई भी मीडियम, कोई भी लैंग्वेज, इंग्लिश, हिंदी, गुजराती, मराठी, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्राइटेरिया बहुत सिंपल है, नीडी स्टूडेंट्स, बच्चों को पढ़ने की इच्छा और पेरेंट्स का सपोर्ट कि हमको उनको ग्रेजुएशन तक पढ़ाना है, और एक ही पर्पज़ है ट्रस्ट का, एजुकेशन और स्कूल फीस और कुछ नहीं। सब जुड़ना चाहेंगे अगर लोग तो कैसे जुड़ सकते हैं आप लोगों को? एप्लीकेशन लोग करते हैं, हम एप्लीकेशन के बाद उसको बुलाते हैं और इंटरव्यू लेते हैं और फिर डिसीजन लिया जाता है कि इनको आप तक पहुंचने के लिए क्या माध्यम है लोगों का? एबीसी ट्रस्ट है, उसका रजिस्टर्ड एड्रेस है, जो हमारे ऑफिस में बुलाया गया था कोरेगांव, अभी काफ़ी लोगों को पता है, और यहाँ पे कोरिवली में मातुश्री जयाबेन ट्रस्ट, वहाँ पे एप्लीकेशन होती है। हम की भाविक एंटरप्राइजेज जो कॉर्पोरेट है उनके साथ डायलिसिस सेंटर में जुड़े हुए हैं, यहाँ एप्लीकेशन करके हमको फॉरवर्ड होती है और हमको कॉन्टैक्ट करके हम बता दें।
मुंबई रफ्तार न्यूज़ की खबरें पसंद आने पर हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।